महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने किया था यह बात तो हम सबको पता है, पर वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना भारत के किस हिस्से में की थी इस बारे में स्पष्ट जानकारी किसी को नहीं है। इतिहासकारों का माने तो भारत के उड़ीसा राज्य के राउरकेला में यह एक ऐसा जगह है जहां पर वेद व्यास जी ने इस महाग्रंथ की रचना यह विशाल पर्वत के पवित्र गुफा में किया था, जिसे अब हम वेद व्यास धाम के नाम से भी जानते हैं। और यह अब एक राउरकेला का प्रमुख धार्मिक स्थल बन गया है, जिसे वेद व्यास ऋषि के नाम पर समर्पित किया गया है। यहाँ पे आपको त्रिधारा संगम भी मिलेगा जहाँ तीन नदियों का मिलाप होता है। तो दोस्तों आज हम लोग आए हैं उड़ीसा का स्टील सिटी कहे जाने वाला राउरकेला। यहाँ का सबसे फेमस जो है वेद व्यास धाम धार्मिक स्थल का हम लोग मुआयना करेंगे। तो ये है वेद व्यास धाम। यहाँ पर आपको वेद व्यास ऋषि हिंदू धर्म के महानुभव हैं जो महाभारत और पुराणों के रचयिता के रूप में जाने जाते हैं। वेद व्यास धाम में उनकी प्रतिमा स्थापित है जिसे भक्त द्वारा पूजा जाता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी भौगोलिक स्थिति। झारखंड से बहकर आने वाली कोयल और छत्तीसगढ़ से बहकर आने वाली शंख नदी का पानी इस मंदिर के लगभग 1 किलोमीटर पहले मिलता है, इसलिए इस जगह को त्रिधारा संगम के नाम से भी जाना जाता है। इलाहाबाद की तरह यहाँ भी तीसरी धारा सरस्वती नदी को बताई जाती है। दाई ओर दिखती हुई पहाड़ियों के बगल से बहकर आने वाली कोयल नदी का जल जब शंख में मिलता है तो ब्राह्मणी का रूप ले लेता है। दूर दूर से लोग इस पवित्र स्थल पर अस्थि विसर्जन के लिए भी आते हैं। वेद व्यास मंदिर से ठीक पहले एक वैदिक गुरुकुल और आश्रम भी है। पूरे मंदिर परिसर का मुख्य आकर्षण चट्टानों की आड़ में बना हुआ यह वो स्थल है जहां स्थानीय मान्यताओं के अनुसार महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। व्यास मुनि के स्थल पर एक वेद विधि भी है जिस पर व्यास देव लेखन का कार्य किया करते थे। मंदिर के पुजारी 7 पुस्तों से अपने परिवार द्वारा इस स्थल का पूजा अर्चना करते आए हैं। उनसे पहले इस मंदिर का कर्ता धर्ता कौन था इसका तो उनको भी पता नहीं। और ऊंचे पहाड़ों पर स्थित इस पवित्र गुफा के जस्ट बगल में आपको महर्षि वेद व्यास और भगवान गणेश जी की प्रतिमा भी दिखाई देती है जहाँ भक्त इनकी पूजा करते हैं। महर्षि व्यास के ध्यान स्थल के ठीक ऊपर बाद में ये आपको जगन्नाथ जी का मंदिर है जो कि उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय आराध्य देव भी हैं। यहाँ पर आपको भगवान श्री कृष्ण के अलावा बलराम और उनकी बहन सुभद्रा का भी मूर्ति देखने को मिल सकता है। और इनके जस्ट बगल में आपको भगवान श्री राम और माँ सीता के साथ साथ लक्ष्मण और भरत का भी मूर्ति है। पूरा मंदिर परिसर चट्टानों की आड़ में बना हुआ है। प्रकृति के गोद में बसे इस मंदिर का दर्शन एक बार तो अवश्य करना चाहिए। मंदिर की एक और खास बात यह है कि इसका निर्माण पुराने पेड़ों को बिना काटे ही छत और फर्श का कार्य किया गया है। और इस पवित्र धार्मिक स्थल से जस्ट पहले आपको एक स्वर्ग द्वार भी मिलेगा। और पश्चिमी उड़ीसा का यह विशेष धाम सड़क मार्ग से भी जुड़ा है। यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन राजगंगपुर और राउरकेला है जहाँ से ट्रेन से उतरकर आप बस से आ सकते हैं। और नज़दीकी एयरपोर्ट झांसुगोड़ा में है। तो दोस्तों यह था वेद व्यास धाम जहाँ पर उन्होंने महाभारत की रचना की थी इसी पवित्र गुफा में बैठकर। धन्यवाद।